सड़क और नाली निर्माण की मांगों को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे कॉलोनी वासी, होटल संचालक पर लगाया गंदगी फैलाने का आरोप। शिवपुरी शहर के पीएस होटल के पास वार्ड क्रमांक 7 के बाशिंदों ने आज जन सुनवाई पहुंचकर पीएस होटल संचालक पर गंदगी फैलाने के आरोप लगाए थे। साथ ही कॉलोनी में जल्द से जल्द सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की है। बता दें कि पीएस होटल संचालक की पूर्व में भी अवैध रूप से उत्खनन करने के कारण दीवारों में आई दरारों की शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। सुनिए क्या कहा कॉलोनी वासियों ने। तो मेरे पैर में बहुत चोट आ गई है, वो है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू शर्मा है। आज जनसुनवाई में हमें क्या परेशानी? परेशानी जी है, वो रास्ता बहुत खराब है पीएस वाले, पीएस वाला बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि वो है ना बिल्कुल पाइप निकालता है, पानी बहुत फैलाता है, हमेशा कंधा रहता है वहाँ पे, तो लोग बाग बहुत गिरते हैं वहाँ पे, इसलिए आए बच्चे परेशान है, बड़े परेशान है, सब परेशान है वहाँ पे, इसलिए उसको सही होना चाहिए। होटल वाला सार्वजनिक रास्ते पर पानी बह रहा है, पानी बह रहा है बहुत ज्यादा, फीवर का पानी, न्यूसेंस फैलाना, उससे बोल दिया कि मतलब पानी मतलब तो रात के 12 बजे खोलता है फिर वो, अब उसने ऐसा कर दिया, उससे बोला कि बंद कर दो, दिन में बंद करा देते हैं तो वो रात में खोलता है। पहले पीछे जेसीबी से खुदाई करता था तो आप लोग इतनी सालियाँ हो रही है उसकी, गाड़ियों से कीचड़ हो रही है, बहुत ज्यादा गंदा रास्ता कर रखा है उसने। तो संजय साहब, आप ये लोग कॉलोनी वासी हैं, कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 7 में जी, सभी रहवासी हैं, कॉलोनी वाले हैं। क्या समस्या लेके आए जाना? आवेदन देने आए हैं जी। एक तो हमारी रोड की बहुत दयनीय हालत है, सीवर प्रोजेक्ट, सीवर भी डल गई है, मणिकिला लाइन डल गई है, गैस की लाइन डल रही है, सभी कार्य हो चुके हैं और स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन अभी तक बनी नहीं है। दूसरी समस्या ये है कि पास में जो होटल है उसका पानी बाहर आता है, इससे ये रखा हुआ पानी भरता है, सीवर का पानी, सीवर का पानी। बोल दिया था हमने, कार्रवाई।